सही टाइम पास हो जाता है वैसे। भैया ये पसंद नहीं आया, दूसरा दिखाओ। अबे ओए, तूने मजाक बना रखा है क्या? ये शॉप है तेरे बाप का घर नहीं, जो बार बार आ जाता मुंह उठा के। भैया पसंद नहीं आया तो नहीं आया ना, चेंज करो आप, ये आपका काम है, और ना थोड़ा तमीज से बोलो आप। भाई जब तेरी औकात ही नहीं है कपड़े खरीदने की तो आता क्यों है? क्यों हमारा फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है? सर बदलना तो पड़ेगा आपको। बिल्कुल पसंद क्या हुआ, तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रहे हो? सर देखो ना कितना बदतमीज है ये, कम से कम आठवीं बार आया कपड़े चेंज कराने के लिए, अब बार बार मैं ऐसे कपड़े चेंज करता रहूंगा क्या? कभी ये पसंद नहीं आ रहा, कभी वो पसंद नहीं आ रहा। जब तुम्हारी औकात ही नहीं होती लेने की तो क्यों आते शॉप पे, क्यों करते हमारा टाइम वेस्ट? भाई साहब क्या दिक्कत आ गई कपड़ों में, आप क्यों बार बार चेंज करने आ रहे हो? सर मैं यहाँ से जो भी कपड़े लेकर जाता हूँ ना वो भाभी को दिखाता हूँ, अब भाभी को ये पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा भेज दिया, अब ये चेंज नहीं कर रहे हैं। जब आपकी भाभी को इतनी ही दिक्कत है तो वो खुद क्यों नहीं आ जाती है दुकान पे? सर यही तो दिक्कत है, वो आती नहीं है, वो मुझे बार बार यहाँ पे भेज देती है, अब आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ। सर ऐसा थोड़ी होता है। सर रुको, इससे तो मैं बात करता हूँ। अबे ओए, हमने यहाँ तेरे घर की कथा सुनने नहीं आया। हाँ ये पकड़ अपने 1000 रुपए और निकल यहाँ से। सर चेंज कर दो ना, अगर मैं बिना कपड़े लिए गया तो भाभी मुझे बहुत सुनाएगी। मैंने क्या तेरी भाभी का ठेका ले रखा है, और निकल जाए यहाँ से, दोबारा शॉप के आसपास दिख मत जाइयो। अबे जाना। सर ये लोग ऐसे आके टाइम पास करते हैं, कपड़े नहीं लेना नहीं होता। सही करा तूने बता दिया, वैसे टाइम पर बात कर रहा हूँ। हाँ सर। आ गया तू? कपड़े कहाँ ला, कपड़े दे। वो भाभी मैं कपड़े चेंज करने तो गया था पर उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए। क्या, क्यों नहीं करे कपड़े चेंज? भाभी मैं दुकान पर गया तो था पर उन्होंने मुझे कपड़े नहीं दिए, और क्यों ना करते वो ऐसा, आपने 5-6 बार भेजा था तो वो भी परेशान हो गए इसलिए उन्होंने मुझे दुकान से भगा दिया। जुबान बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, एक कान ढंग से नहीं होता तेरे से। भाभी इतनी परेशानी थी तो आप खुद जाकर ले आते ना, मुझे क्यों भेज रहे हो? अच्छा तो घर में बैठ के महाराजा की तरह रोटी तोड़े और तेरी भाभी जाके बाहर काम करे। ला पैसे दे इधर, काम चोर कहीं का। भाभी आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो जैसे मैं इस घर का नौकर हूँ? अच्छा तो तू अपने आप को मालिक समझते है इस घर का? इस घर में ना तेरी नौकर से ज्यादा बढ़ के औकात नहीं है, समझा? नहीं मैं इस घर का नौकर थोड़ी ना हूँ, मेरे भैया का घर है ये, मैं भी इस घर का मालिक हूँ, इस पे मेरा भी पूरा हक है। ओ तू उसका सगा भाई नहीं है, सौतेला भाई है, सौतेला, और तू इस घर का मालिक नहीं नौकर है, समझा? मैं भी मालिक हूँ इस घर का, आपके कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। भैया को आने दो, मैं भैया को बताऊंगा क्या मेरे से सारा घर का काम कराती हो और मारती भी हो। अबे ओ मेरी बात ना कान खोल के ध्यान से सुन ले, अगर तूने उनको कुछ भी बताया ना तो तेरे को घर से बाहर कर दूंगी, फिर पड़ा रही हो रोड पे खड़े खड़े मेरे मुखिया देख रहे हैं, निकल यहाँ से। ज्योति, ज्योति। हाँ, अरे यार तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बोलो। मैंने डिसाइड किया कि हम सुमित के एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में कराएंगे, और आज मैं स्कूल में बात करके भी आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो, यहाँ भी तो पढ़ रहा है ना स्कूल में, क्या जरूरत है बोर्डिंग स्कूल की? अरे क्या खाक पड़ रहा है, आए दिन तो उसकी कंप्लेंट आती रहती है, कभी ये टीचर कंप्लेंट कर रहा है, कभी वो टीचर कंप्लेंट कर रहा है, 15-15 दिन तक तो स्कूल नहीं जाता है, फिर तुम भी तो उसकी कंप्लेंट करती हो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता। हमारे साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ उसे लाड़ प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, बोर्डिंग स्कूल में जाएगा अच्छे से पढ़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ पे, इसलिए मेरा फाइनल डिसीजन है वो बोर्डिंग स्कूल में जाएगा तो जाएगा। अरे यार तुम खुद ही सोचो ना, जब वो यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा तो वहाँ पे कैसे करेगा, और वहाँ तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे रहेंगे, कौन रहेगा ध्यान रखने वाला उसका, उसे यही रहने दो, वहाँ मत भेजो। अरे बाबा तुम टेंशन मत लो, वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, मेरे दोस्त का भाई खुद वहाँ पढ़ता है और वहाँ से काफी अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं, काफी अच्छे मुकाम पर पहुंचे वहाँ से निकल के बच्चे, इसलिए वो वहाँ रहेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा, जिंदगी में तरक्की करेगा। शेखर एक बात बताओ, तुम उसके बिना रह पाओगे? तुम उससे इतना प्यार करते हो। ज्योति क्या है ना, कई बार अपनों को अपनों से दूर उनकी भलाई के लिए भेजना पड़ता है, इसमें उसकी भलाई है, हमारी भलाई नहीं है, कल को वो पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, जिंदगी में अच्छे पैसे कमाएगा, अपनी जिंदगी में सफल होगा, वरना जिंदगी में पछताता रहेगा,
इसलिए उसकी भलाई के लिए उसे हमसे दूर जाना ही पड़ेगा। फिर वो कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है, 2 साल के लिए तो जा रहा है, कॉलेज हम उसका यहीं से करवा देंगे, क्या टेंशन है। लेकिन शेखर, अगर हम उसे अपने से दूर रखेंगे तो उसको लगेगा कि हम उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। चुप करो तुम, ये क्या सौतेला सौतेला लगा रखा है, वो मेरा सगा भाई है समझे तुम, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मेरी बात सुन लो, अब वो बोर्डिंग स्कूल में जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो मुझे टोकोगी नहीं। अब एक काम करो, खाना वगैरह रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। सुमित, ओ सुमित, उठ। सुन, तेरे भैया तेरे से बोर्डिंग स्कूल की बात करेंगे ना, मना कर दियो जाने के लिए, ठीक है? क्या बोर्डिंग स्कूल? मैं तो जाऊंगा, मैं क्यों मना करूंगा वहां पढ़ने से? तेरे को जितना बोला ना उतना कर, वैसे भी यहाँ के स्कूल में जा रहा है ना। आप मुझे स्कूल जाने थोड़ी ना देते हो, सारा दिन घर का काम कराते हो और स्कूल के नाम पे हफ्ते में सिर्फ एक दिन भेजते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो जाऊंगा। अरे तू तो बोर्डिंग स्कूल चले जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, मैं करूंगी क्या? मेरी बात ध्यान से सुन, तू यहीं रहेगा और घर का काम ही करेगा। नहीं भाभी, मैं पढ़ाई करूंगा और बोर्डिंग स्कूल भी जाऊंगा, और ये बात मैं भैया को भी बोल दूंगा कि मुझे जाना है। पढ़ लिख के करेगा क्या तू, करना तो तेरे को घर का काम ही है। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे भैया से कह के तेरे अच्छे से जॉब लगवा दूंगी यहाँ पे, ठीक है? तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाभी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी ओए, तेरे को एक बार में समझाया तो समझ में नहीं आ रहा है? जो बोला है वो सुन, तू यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और अगर तुमने शेखर से कुछ कहा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझा? भैया, अरे अच्छा हुआ समित तो आ गया। मुझे देखो एक बात बतानी थी, मैंने तेरा एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है, अब तू बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाएगा। भैया मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना, मेरा यही पे एडमिशन करा दिया। क्या पागलों वाली बात कर रहा है सुमित, बोर्डिंग स्कूल में जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, जिंदगी में नाम कमाएगा। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल में, मैं यहाँ पे पढ़ लूंगा, पर मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। बेटा कई बार परिवार वालों से अलग रहना पड़ता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए, परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए। अब तू पढ़ेगा लिखेगा, जिंदगी में नाम कमाएगा, तो इससे तेरा ही तो फायदा है, हमारा फायदा थोड़ी है, इसलिए तू बोर्डिंग स्कूल में जाएगा, ठीक है? मुझे पता है आप मुझे सौतेले जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बकवास कर रहा है यहाँ पे, बोला ना बोर्डिंग स्कूल में जाएगा तो जाएगा, क्या सौतेले जैसा व्यवहार किया तेरे साथ? अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग लगवा रखी है, अरे अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, अच्छी चीजें देता हूँ, कहाँ कमी छोड़ी है? खुद के लिए जिंदगी में कई बार कई कमियां भी हो जाती हैं, लेकिन तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। आज तू ये बात बोल रहा है कि सौतेला जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हद हो गई सुमित। भैया सॉरी, मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया, मैं जानता हूँ हम उसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, पर भैया आप नाराज मत हो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। बेटा नाराज होने की बात है, तब नाराज हो रहा हूँ, जब अपने ऐसा व्यवहार करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। बाकी मैंने बोला है ना, 2 साल की बात है तू, और ये तेरी भलाई के लिए है, तू पढ़ेगा लिखेगा तो तेरा नाम होगा, अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छी जिंदगी जिएगा, और भला कोई भाई चाहता है कि उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो? इसलिए आराम से पढ़ने जाइयो, और कोई भी कमी हो ना अपने भाई को बताइयो, ठीक है? चल अपनी तैयारी कर, ठीक है? सुमित, मैंने तेरे को बोला था ना शेखर को मना कर दे कि बोर्डिंग स्कूल नहीं जाने तेरे को। भाभी मैंने मना किया था उन्हें, पर वो नहीं माने। चुप कर, अगर तू बोर्डिंग स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? भाभी मेरा भी मन है पढ़ने का, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, करियर बनाना चाहता हूँ, और आपके साथ रहूंगा ना तो आप घर के काम ही कराओगी बस। चुप कर और मेरी बात ध्यान से सुन, शेखर आएंगे ना तो उनको बोल देगा कि तुमको बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना, समझा? भाभी बस बस बहुत हो गया, मैं नहीं करूंगा मना, आपको जो करना है ना वो करो। बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया तू। ज्योति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमित के थप्पड़ मारने की? शेखर ये बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है, मुझे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। चुप करोगी तुम? मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन बदतमीज है और कौन तमीजदार है, मैंने अभी जो कुछ भी तुमने किया है अपनी आंखों से देखा है। सुमित तू बता असल में बात क्या है? भैया मैं स्टार्टिंग से स्कूल जाना चाहता था, लेकिन भाभी मुझे जाने नहीं देती थी, बल्कि घर का सारा काम कराती थी, झाड़ू बर्तन पोछा सब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, और ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन
भाभी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये बात आपको बता दी तो वो मेरे साथ और बुरा करेगी। मैं चाहता था कि मैं बोर्डिंग स्कूल में जाऊं, पढ़ाई करूं, करियर बनाऊं, आपका नाम रोशन करूं, लेकिन भाभी भाभी पीठ पीछे मुझे बहुत मारती थी, डराती थी कि अगर मैंने आपको हाँ बोला तो ये मेरे को बहुत मारेगी, टॉर्चर करती थी मुझे कि मैं स्कूल ना जाऊं। अच्छा तो ज्योति ये सब कुछ किया है तुमने मेरी पीठ पीछे? अरे जब मैंने अपने भाई और खुद में कभी सौतेला जैसा कुछ समझा ही नहीं तो तुम होती कौन हो इसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करने वाली? अरे तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम इसकी केयर करो, इसकी देखभाल करो, जब ये गलती करे तो इसे डांटो, लेकिन तुमने इसके विपरीत इसका इस्तेमाल किया, इससे घर के काम करवाए, इससे परायों जैसा व्यवहार करा। अरे अपने परिवार वालों की इज्जत की जाती है, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाई जाती है, ना कि उन्हें नीचा दिखाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुमने इसे कभी अपने परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। तुम्हें पता है ज्योति, जब एक लड़की किसी दूसरे घर में आती है तो उसका पहला फर्ज ये होता है कि वो उनके परिवार को जोड़े, दो भाइयों की एकता बढ़ाने में मदद करे, ना कि उनके परिवार को तोड़े बिखेरे। जब लड़की परिवार को तोड़ने पर आ जाती है ना तो फिर परिवार कहीं का नहीं रहता, इससे परिवार की आपसी फूट होती है और आपसी फूट से तो फिर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, दिन रात कलेश होते हैं और जिंदगी जीते जी नरक हो जाती है। और इस दुनिया में अगर जिंदगी जीते जी नरक हो जाए ना तो फिर जिंदगी से बेहतर मौत लगती है, क्योंकि जब भाई भाई से बिछड़ता है तो फिर भाई के दिल में जो क्रोध और उदासी उत्पन्न होती है ना, उससे इंसान की जिंदगी बस बेकार हो जाती है, उसकी जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये परिवार ही है जिसके कारण जिंदगी जीने का एक मजा आता है, जिंदगी में एक सुकून होता है। अगर परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं, आपके सुख दुख में आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, ना कि कोई बाहर वाला। कल को अगर हमें कुछ हो जाए, हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो, तो किसी बाहर वाले को तकलीफ नहीं होगी बल्कि सुमित को तकलीफ होगी, क्योंकि सुमित हमारे परिवार का एक हिस्सा है। खैर जब तुमने हमें अपना परिवार समझा ही नहीं तो हम क्यों तुम्हें अपना परिवार समझें? अब ना तुम यहां से अपना बैग पैक करके अपने मायके जा सकती हो, इस घर को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शेखर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आईने से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, और अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाल लिया तो मैं कहां जाऊंगी, तुम ही सोचो। सुनने के लिए कुछ बचा नहीं ज्योति, इतना सुन लिया काफी है, और ये सुन के ही मैंने डिसीजन लिया है, प्लीज यहां से जाओ। शेखर प्लीज मेरी बात तो समझो। सुनना नहीं है, बोला ना अपना बैग पैक करो, प्लीज। सुमित आप भी अपने रूम में जाके पढ़ाई करें। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी बहू का क्या फर्ज होता है, एक इंसान की जिंदगी में परिवार की क्या अहमियत होती है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि कई बार क्या होता है, परिवारों में फूट डाल देती हैं परिवार की बहुएं, ऐसे में क्या होता है कि परिवार बिखर के रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में भाई भाई के बीच में सौतेला जैसा व्यवहार हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान को सुकून मिलता है। दिन भर इंसान जब थका हारा होता है, परिवार के बीच में बैठता है ना, तो उसे तो सुकून के पल मिलते हैं, इसलिए परिवार की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो का मैसेज पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फैला दें अपने दोस्तों के साथ। कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आई तो क्यों पसंद आई, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।